सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छावड़ी व्लॉग्स की एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रेलवे में हम लोग ड्यूटी कैसे करते हैं। तो बिना देरी करते हुए पहले चलते हैं ऑफिस। तो ये हमारे ऑफिस का गेट है भाई। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, हमारे असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD हिंदूपुर का ऑफिस है ये। बाकी अब अंदर चलते हैं। ये हमारी लोरी, वो हमारा स्टाफ उधर। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ तुम्हें अपना पूरा ऑफिस। ये हमारे ऑफिस में ट्रेनिंग स्कूल है, जिनकी नई ज्वाइनिंग होती है या फिर जिनका प्रमोशन होता है उनकी ट्रेनिंग होती है। इसके रूम के अंदर क्लास चलती है। ये डॉर्मेट्री है, यहाँ सोने के लिए बेड और वगैरह ये सब कुछ है। और ये हमारे AD सर का ऑफिस, जिनका बोर्ड बाहर भी लगा हुआ था, असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोगों को दिखाया था मैंने। बाकी बहुत ही अच्छी गार्डनिंग हो रखी है हमारे ऑफिस में। और ये रमना और नागराजू पेड़ की छटाई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो हमारी टावर कार आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं अपनी टावर कार में। और टावर कार से आज हम करेंगे ड्यूटी। और जित्तू भाई हैं हमारे साथ में, और आज आपको मिल के दिखाते हैं कि टावर कार पे होती टावर कार होती क्या है और टावर कार से हम ड्यूटी करते कैसे हैं। तो ये है हमारी टावर कार, जिस पे या जिससे हम अपना सारा काम करते हैं। हमारा पूरा काम इसी टावर कार के द्वारा होता है। और काम हमें करना क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ के और ऊपर जो वायर्स हैं उन वायर्स की हमें मेंटेनेंस करनी होती है। यही हमारा काम है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल TRD। और नागेश हमारे साथ में ना। हेलो नागेश, हेलो बोल रहा है। बाकी इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटीरियर कैसा है। इसके अंदर दो कैबिन होते हैं। मेरी आवाज़ सारी शायद अच्छी ना आए तो मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा। एक कैबिन इस साइड होता है, यहाँ से हम जा सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर बैठता है हमारा, और टावर का ड्राइवर लोको पायलट यहाँ पे बैठता है और वो यहाँ से गाड़ी चलाता है। एक कैबिन उस तरफ है, सेम एक इस साइड, एक अपोजिट साइड। अब मैं आपको अपोजिट साइड लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारी टूल्स, हमारे मटेरियल्स, हमारा सामान रखा है जिनको यूज़ करना है, जिनसे काम करना है, ये सब कुछ रखा हुआ है। अब इस तरफ के कैबिन में हम चलते हैं। ये हमारी कुछ लेटर्स हैं, ये हमारा कुछ रेस्ट रूम, और वहाँ पे बैठा है बर्जेस। हेलो, एक हमारा रेस्ट रूम ये है, यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, और बस यही सब कुछ। एक नेक्स्ट कैबिन हमारा है, हमारे लोको पायलट रवि बाबू भैया टावर कार की थोड़ी सफाई कर रहे हैं। हमारे MCM सर साथ में बैठे हुए हैं। ये हमारा दूसरा कैबिन, और आज हमको जाना है इस तरफ रंगे पल्ली और पैनोकोंडा के बीच के। हमको रिमार्क अटेंड करने हैं, और वो रिमार्क्स मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम उन पे काम करेंगे। और ये दोनों लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो हैं? ये प्रकाश और ब्रजेश पता नहीं जंगल में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, जंगल में मंगल करने जा रहे हैं लगता है। मुंह छिपा रहा है ये, पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा के आया है। ब्रजेश के साथ गया था, ये मुंह पता नहीं क्यों छिपा रहा है। तो हम आ गए हैं पैनोकोंडा और रंगे पल्ली स्टेशन के बीच में, और यहीं पे आज हम काम करेंगे टावर कार के ऊपर चढ़ के। काम क्या करना है, हमारी टावर कार के सामने सामने पैकिंग मशीन चलेगी। पैकिंग मशीन जो इस ट्रैक को, इसके पत्थर है जो उनको पैक करती है, तो वो क्या करती है, रेल को थोड़ा इधर उधर कर देती है। उससे क्या होता है कि जो हमारा ऊपर पेंटो टच होता है वायर में, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम उसको जो है आज एडजस्ट करेंगे। उसको काम करने के लिए इसमें बात आती है करंट की, कि करंट कितना होता है हमारे जो वायर्स हैं ऊपर। तो इसमें 25,000 वोल्टेज का करंट होता है, 25 KV, बहुत ही बड़ा वोल्टेज है ये। और पावर ब्लॉक लेंगे पहले, पावर ब्लॉक मतलब कि एक तरह से शटडाउन लेंगे। शटडाउन के बाद में ये नागेश यहाँ पे अर्थ रोड फिट कर रहा है, और अर्थ रोड फिट करने के बाद में ये इस मास्ट में, रेलवे की भाषा में खंबे को मास्ट बोलते हैं, इस मास्ट में इसने अर्थ रोड के क्लैंप फिट किए हैं।
जो बाद में ब्लॉक या शटडाउन लेने के बाद में जो फिर भी 1500 वोल्टेज का करंट जो बाकी बचा रहता है इस अर्थ रोड के थ्रू होते हुए, ये इस अर्थ रोड को उस वायर पे डाल लेगा, इस मास्ट के थ्रू होते हुए, इस खंबे के थ्रू होते हुए यहाँ से इस बॉन्ड से आके रेल में ये अर्थ हो जाएगा। बाकी अब ब्लॉक और शटडाउन मिलने के बाद में आपको दिखाता हूँ नागेश अर्थ रोड कैसे डालता है। हमें पावर ब्लॉक मिल गया है और अब नागेश ये अर्थ रोड डालेगा वायर्स के ऊपर, इसके बाद ही हम लोग टावर कार के ऊपर चढ़ सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं या ऊपर वायर्स को टच कर सकते हैं। जब तक ये अर्थ रोड नहीं डल सकती तब तक हम वायर्स को छू नहीं सकते। और एक अर्थ रोड इस तरफ डलती है, एक उस तरफ डलती है, बीच में हम लोग काम करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम, अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो। अब मैं चलता हूँ अर्थ रोड के ऊपर, वहाँ पे जीतू चढ़ रहा है और अब उसके ऊपर दिखाते हैं हम काम, आज हमारा जो स्टैगर है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। और वो सामने पैकिंग मशीन चल रही है जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ये जो ट्रैक पे पत्थर पड़े हुए हैं इनको पैक करती जाती है दोस्तों। ये होता है पेंटोग्राफ और इसमें इस तरह से लिखी रहती हैं इसकी रीडिंग्स, इसके ये प्रति mm होता है। तो ये कर्व में अभी हम चल रहे हैं, तो ये इधर +300 है और इधर बीच में ये 0 और फिर उस तरफ -300, तो इसके बीच में ही रहना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन में ये +200 -200 के बीच में रहना चाहिए कर्व। ये पेंटोग्राफ, इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, ये पेंटोग्राफ हमारी खाली चेकिंग के लिए है, हम इसको एडजस्ट करें उसके लिए। बाकी जो ट्रेन के ऊपर होता है उसका वो होता है पर्पस उसका करंट लेने का, कि ऊपर वायर से करंट लेना है और इंजन को उसको करंट देना है। तो दोस्तों अब हम लोग इस सस्पेंशन क्लैंप में एक पैकिंग सैडल डाल रहे हैं। पैकिंग सैडल इसलिए डालते हैं क्योंकि ताकि वायर हमारा डैमेज ना हो, ये वायर हमारा कटे ना। पैकिंग सैडल दिखा भाई, ये पैकिंग सैडल और इसको हम ऐसे बिठाएंगे ताकि ये वायर का थ्रू में बैठ जाए। रख के दिखाओ, रख के दिखाएंगे, पहले डालेंगे ना तब ना ये इसमें बैठ जाएगा, तो ये बहुत ये वायर हमारा डैमेज नहीं होगा। चलो भाई और राइट बोलो। तो दोस्तों हम लोग अब स्टैगर चेक करते हुए जा रहे हैं और हम चलते जाएंगे जहाँ पे हमें लगेगा स्टैगर 300 से ऊपर गया है, तो वहाँ पे हम रोक के उस स्टैगर को एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से हमारा काम चलता रहता है भाई दोस्तों, बहुत ही रिस्की काम है। लोग हो गया खत्म, हम आ गए नीचे अब और नागेश भी अर्थ रोड निकाल के आ गया। अब पहले खाना खाएंगे फिर नेक्स्ट लोग मिलेगा तब काम करेंगे, तो हम खाना खाने जाते हैं। और हमें सेकंड ब्लॉग भी मिला जिसमें भी हमने बहुत सारा काम किया, लेकिन उसकी वीडियो में बना सका क्योंकि काम करना था और वापस से हम आ गए फिर हिंदूपुर। तो ड्यूटी से आ गए, ड्यूटी ख़त्म होगी, अब ऑफिस में जाओगे थोड़ी देर, ऑफिस में 5 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद में वॉलीबॉल खेलेंगे फिर क्वार्टर्स आना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा काम दिखा पाया आपको ये मेरा कि ये हम करते हैं, बहुत सारा काम बचा हुआ जो मतलब इतनी छोटी सी वीडियो में तो नहीं दिखा सकता था, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा काम है। और वीडियो को लाइक कर दियो यार, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दियो चैनल को। और आज थोड़ा सा वीडियो में मतलब तुम्हें भी दिख रहा होगा, आज कॉन्फिडेंस नहीं आया वीडियो बनाने में, सुबह से यार 2-3 लोगों ने मजाक बना ली तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था। बाकी अगर आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे करोगे, मतलब मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़े तो मोटिवेट हो जाऊंगा और अच्छी वीडियो बनाऊंगा भाई। बाकी सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई, आपका दिन शुभ हो।